हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान दीजिए। देखिए, न्यूजीलैंड ने 4 मई से अपने वीज़ा के फ़ी स्ट्रक्चर चेंज कर दिए हैं। वीज़ा की फ़ीस में चेंजेस आए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, 4 मई की अपडेट है VFS ग्लोबल की, जो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड सर्विस फ़ी चेंज इफ़ेक्टिव 8 मई से, मतलब 8 मई के बाद जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको इंडिया में ये पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए, फिज़िकल पेपर एप्लीकेशंस 1625 1625 INR, ठीक है। पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैंडलिंग फ़ी 1080। फिजिकल पेपर एप्लीकेशंस USD 26, $26 हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन हैंडलिंग फ़ी USD 18। मतलब देखिए, अगर आप पेपर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 1625 या ऑनलाइन 1080, पेपर अगर आप फिज़िकली कर रहे हैं 26 और पेपर ऑनलाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से आई है अपडेट, इसका सोर्स क्या है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा बताऊँगा अभी। ये देखिए, इंडिया न्यू दिल्ली इमिग्रेशन, आप पहले तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं न्यूजीलैंड के। एक चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है और एक बॉम्बे में है, इमिग्रेशन की साइट में। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये अपडेट आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आई है, immigration.government.nz की साइट पे था ये। VAC सर्विस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सर्विस फ़ी इंक्रीज़, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने रीज़न क्या दिया है, दिस सर्विस फ़ी इंक्रीज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट। राइजिंग कॉस्ट है इसलिए लोग इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया है, देखिए इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, इसमें इंडिया का ये है। जब आप इंडिया पे क्लिक करते हैं तो आपको ये देखिए इंडिया में लेके आता है, न्यू दिल्ली कहाँ कहाँ पे है, तीन ही है, चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई, तीन जगह हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैंने आप लोग के बनाया, ध्यान दीजिएगा, वीज़ा की फ़ीस बढ़ चुकी है न्यूजीलैंड की, तो जब भी आप जाते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।